जिसके पास अपना कोई परिवार नहीं हो उनसे आप परिवार के ऊपर तो प्रहार देखेंगे ही। कहते हैं कि मजाल है तो बैलेट पेपर से करवा लो। जब देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी है। बताते चले आपको कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद का बड़ा बयान सामने आया है और नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए हैं और कहते हुए नजर आए कि ये लोग जो परिवारवाद पर बयान देते हैं इनके पास अगर परिवार होता तब तो इनको समझ में आता। इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर निकाला गया है उसको सही करार देते हुए नजर आ रहे थे इलेक्ट्रॉन बंद को और कहा कि अब केंद्र सरकार को जनता का जवाब देना होगा। इसी के साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि आरजेडी के विधायकों की अब जांच होने की बात सामने आ रही है तो इस पर कहा कि सही बात है, हम तो चाहते हैं कि निष्पक्षता से जांच हो, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी कुछ चीजों का जांच करवा। इसी के साथ साथ एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमलावर होते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शकील अहमद खान, पहले आपको वो सुने। जिसके पास अपना कोई परिवार नहीं हो उनसे आप परिवार के ऊपर तो प्रहार देखेंगे ही, और वो जिन लोगों के साथ हैं वो इसमें लोकसभा में जवाब तो नहीं दे पाए थे, तरुण गोगोई के सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे, वो जिन जिन पार्टियों के साथ है वहाँ सब होता है। असल बात ये है कि डर गए हैं, परेशान हो गए हैं, जनता सवाल कर रही है और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया उससे और परेशान है, क्योंकि देना पड़ेगा हिसाब जनता के सामने। उनके अलग अलग बयानों से कुछ नहीं होने वाला है। देश की सेवा करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी कांग्रेस पार्टी अपनी राह पे आगे है, आगे रहेगी। उसका काम है देश की सेवा में खुद को लगाना। नंबर गेम में क्या होता नहीं होता वो बात नहीं है, हमारा इतिहास कोई नहीं बदल सकता। आप कह रहे हैं कि जनता सवाल पूछेगी लेकिन जनता तो वोट एनडीए को दे रही है, बीजेपी को दे रही है, अब वो किस माध्यम से और कैसे वोट दे रही है उस पर भी सवाल उठ रहा है ना। हम कहते हैं कि मजाल है तो बैलेट पेपर से करवा लो। जब पूरे हर पार्टी बैलेट पेपर का सवाल कर रही है, जनता सवाल कर रही है, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है कहीं पर छोटा सा चुनाव होता है तो ये हार जाते हैं, तो ईवीएम के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं, मशीन के ऊपर। जिन लोगों ने मशीन का आविष्कार किया उस कंट्री ने कहा कि हम नहीं बनाएंगे। अभी जहां मशीन बनती है वहां के जो डायरेक्टर है वो अब भाजपा के द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं, तो शक की सुई तो सबसे ज्यादा उनके पास आती है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब वाराणसी पहुंचे राहुल गांधी तो आप कह रहे हैं कि जन समर्थन बहुत मिला लेकिन बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से उस स्थान को धुलवा दिया जहां राहुल खड़े थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो कोई दलित वर्ग का आदमी मंदिर में चला जाए तो किसी पाक जगह पे चला जाए तो उसको धुलवा देते हैं कि वो समझते हैं कि नापाक हो जाए। इसी देश में दलित प्रेसिडेंट के ऊपर क्या अत्याचार हुआ है, किस तरह की बातें हुई भारतीय जनता पार्टी से, और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो जो है एक गलत रवैये की, गलत नज़रियात की पार्टी है और पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, राइट विंगर्स के बारे में क्या ख्याल हैं पूरी दुनिया जानती है, और अल्टीमेटली ये मुल्क का नुकसान करते हैं। तेजस्वी यात्रा बिना कारण के बड़ी बड़ी कोठियां मिल गई, प्रशासनिक तंत्र का हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस सब का जांच होना चाहिए। मैंने तो आपको टोटलिटी में बात बता दिया कि 2005 से लेकर के आज तक जो लोग भी हैं, और एस्टिमेट घोटाले का जांच हो, जो पुल अगर 100 करोड़ में बनता है वो 300 करोड़ का एस्टिमेट क्यों होता है, जिस निर्माण कार्य में कोई इंजीनियर अगर कोई इंजीनियर ठेकेदार अगर गलती करता है तो फिर दूसरी बार उसको ही दे दिया जाता है ठेका पट्टा, तो सबकी जांच होनी चाहिए, उसमें क्या था, कौन डरता है जांच से। आरजेडी विधायकों की जांच पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो 100 करोड़ की पुल कैसे ढह गई इसकी भी जांच करवा। इसी के साथ साथ जब चुनाव को लेकर उनसे सवाल किया गया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इससे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।